अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ैनब गफ़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द प्राइम थिंकर्स। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर के एक बहुत ही बेहतरीन और फेमस सैलून पे। इसका नाम है लैविश लैश ब्यूटी एंड हेयर एक्सटेंशन सैलून। इसकी क्या क्या स्पेशलिटी है और ये किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, चलें आपको। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? अलीना। क्या नाम है बेटा आपका? हुरा मली। आप रात के इस टाइम क्या कर रही हैं सैलून में? ये मेरे मामा का सैलून है, मैं हमेशा आती जाती हूँ और वहाँ हेयर कट भी करवाए। वेलकम टू आवर सैलून। शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमारे सैलून में आई, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया, कितने अरसे से इस फील्ड में है? मुझे ऑलमोस्ट 14 इयर्स हो गए हैं और मैंने अपना घर से स्टार्ट लिया था, अब मैंने मेन पर बनाया है। मुझे मेन पर करते हुए ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए। ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने सैलून की? मैंने लाहौर से लिया और मैं अभी भी लाहौर से ही ट्रेनिंग लेती हूँ। मुझे जब भी कोई वर्क करना होता है तो मैं लाहौर ही जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? शाजिया। कहाँ से आई हैं आप? मैं लोधरा से आई हूँ। इतनी दूर से आप आई हैं? हाँ जी, क्योंकि यहाँ की सर्विसेज पसंद है तो इसीलिए। क्या स्पेशल सर्विस है यहाँ की? वैसे तो इनका सारा काम भी बेस्ट है, लेकिन हेयर्स का जो इनका काम है उसके लिए ये बहुत स्पेशल है। मैं आज यहाँ पे आई थी फेशियल के लिए और मैनीपैडी के लिए, तो मैं पिछले 14 साल से इनकी मतलब क्लाइंट हूँ। पहले मेरी बड़ी सिस्टर हुआ करती थी, फिर उनकी शादी हो गई, बहुत सारी फ्रेंड्स थी जिन्होंने रेकमेंड किया कि और भी काफ़ी भावलपुर में अच्छे सैलून्स हैं, आप वहाँ पे जाएं विज़िट करें। तो मैं काफ़ी सैलून्स में जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का काम जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारी जो लैविश सैलून की हुक्मरान है, मतलब रुबीना है, तो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने अपने अंडर जो काम करने वाली मोस्टली उनकी मतलब भतीजियाँ हैं, भांजियाँ जो भी हैं, उनको भी बहुत अच्छे से, सभी फ्रेंडली हैं, यहाँ पर आते हैं तो उनका बहुत अच्छा बिहेव होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर हम सैलून्स में जाते हैं तो वहाँ पर कैमराज वगैरह लगे होते हैं और लेडीज़ वहाँ पर कम्फर्टेबल फील नहीं करती हैं। यहाँ पर कैमराज नहीं है, वो हमारा ख्याल करती हैं। ये बेसिकली सैलून बना हुआ है बेसमेंट में, तो यहाँ पे जेंट्स टोटली अलाउ नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई बच्चा भी आता है ना मेल में तो उसको भी अलाउ नहीं करती हैं। हमारी इज्जत का ख्याल रखती हैं और बहुत अच्छी हैं, बिहेव भी उनका बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात उनका काम बहुत अच्छा है। आपके इस सैलून में स्पेशल कौन से सर्विसेज है? सैलून तो सब बना रहे हैं, सबका है सैलून, आपके सैलून की स्पेशलिटी क्या है? मेरे सैलून की हेयर है और आई लव हेयर वर्क और मैं बहुत दिल से करती हूँ, मुझे हेयर का काम बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं वही करती हूँ स्पेशली। हेयर्स की तो बहुत सारी सर्विसेज है, आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं? हेयर की मैं सारी सर्विसेज दे रही हूँ, ऑलमोस्ट उसमें बलियाज, हेयर डाई, हेयर सारा, हेयर केराटीन और स्पेशली हमारा जो है वो हेयर एक्सटेंशंस का है और लैश एक्सटेंशन का है। तो मैं आप सबको मतलब रिकमेंड करूँगी कि आप मेरे सैलून में आइए और विज़िट करें और फिर आपको सारी हेयर की सर्विसेज मिल जाएंगी, इंशाल्लाह आपको हर वर्क इधर ही मिलेगा। हेयर एक्सटेंशंस का बताएं, ये किस तरह लगाती है, क्या इसके बारे में? ह्यूमन हेयर्स हैं, रियल हेयर्स होते हैं और ये आपके मतलब हेयर के साथ अटैच होते हैं और लैश एक्सटेंशन भी हम लगाते हैं, वो भी ह्यूमन हेयर्स की है। इनकी ग्रोथ भी होती है जो आप एक्सटेंशंस लगाती हैं? नो, ये जस्ट अटैचमेंट होती है इनकी बस। मैम थोड़ा सा मेकओवर के बारे में भी बताइएगा। मेकओवर के बारे में मेरा मेकअप जो है वो मेरी स्पेशलिटी है कि अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी करती हूँ, वो पार्टी वेयर हो या वो आपका मतलब कोई भी ब्राइडल हो, तो जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होती है वैसे ही मैं मेकअप देती हूँ जी। तो मैम आप देखने वाली फीमेल्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप आएँ हमारे सैलून विज़िट करें, हमारा सैलून गुलबर्ग रोड पर है, चेज़ वैल्यू के बिल्कुल पास, बिल्कुल ईजी रास्ता है आपको जी। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।